ABPS News। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। शामली नगर के टंकी रोड निकट रविदास मंदिर स्थित जिला कार्यालय का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान संगठन की गतिविधियों व आगामी कार्यक्रम पर नजर डालने के लिए एक जिला स्तरीय प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने प्रधानों को एकजुट होने को कहा और बताया, अब वह समय है, यदि हम अब भी एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में हम केवल गांव के चौकीदार बनकर रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय हमारे प्रधान साथी भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन हमें अब अपनी ताकत का आकलन कराना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस घर परिवार या संगठन में एकता होती है तो उसका समाज में अधिक सम्मान होता है। इसी तरह आप प्रधान साथियों को संगठित होना होगा। आज प्रधानों को गुलाम बना दिया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान ने सभी प्रधानों से माह के अंत में होने वाली बैठक में पहुंचने व संगठन से जुड़ने का आह्वान किया और मौजूद प्रधानों को बताया कि अब अधिकारी प्रधानों को एक प्रधान की तरह ना देखकर कमाई का जरिया समझते हैं। अधिकारी प्रधानों के कार्यों की जांच केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान अखिल भारतीय प्रधान संगठन संरक्षक प्रसन्न चौधरी, जिला अध्यक्ष शामली धीरज तोमर, जिला प्रभारी यशपाल सिंह, जिला सचिव प्रमोद, ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर गौतम, सुशील तोमर, नितिन प्रधान, सदस्य मोहन, बाबूराम, अनंगपाल व जिले के समस्त प्रधान उपस्थित रहे। साथियों, जनपद शामली की क्रांति भूमि को नमन करते हुए आज का इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। पूर्वक अनुरोध है कि ये जो आज की जो बैठक है, आज का जो कार्यक्रम है, वो हमारे लिए एक मकसद साबित हो, हमारे लिए एक कमिटमेंट साबित हो, हमारे लिए एक संकल्प साबित हो। और आज की इस बैठक में जो हमारी परिवार की बैठक है, इसमें हम कुछ ना कुछ अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए एक कमिटमेंट लेकर जाना, हमको आकलन करना होगा अपनी पूरी पंचायत व्यवस्था का, हमको आकलन करना होगा देश की 70 साल की आजादी का। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको वही जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, संगठन की ताकत, जिस संगठन की ताकत से इस देश को आजाद कराने का काम महात्मा गांधी जी और भगत सिंह ने किया था, उस संगठन की ताकत को आपको यहाँ पर खड़ा करना होगा। अगर वो संगठन की ताकत आप खड़ा नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आने वाले 2.5 साल में 100 गुना ज्यादा चर्चाएं आपकी होने वाली है, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए ये लड़ाई हर किसी एक की जिम्मेदारी है। अगर आप सोचोगे तो भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में हो तो आपको पूरा जाने में जिम्मे वाली नहीं है। और जनता की सेवा आप करते रहो, इसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है। एमपी एमएलए बनना एक बहुत छोटी बात है, गांव का प्रधान बनना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने बलबूते प्रधान बनता है, किसी पार्टी या किसी नेता की कारगुजारी पे या किसी के सहयोग से नहीं बनता। और पिछले 3-4 पीढ़ियों की जो हमारे दादा परदादा ने की होगी वो सब उसी टाइम का जाती है। मेरा प्रधान साथियों से एक हाथ जोड़ का निवेदन है, आप संगठन से जुड़िए, किसी नेता की, किसी विधायक की, एमपी की और एमएलए की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। महीने में अगर आप अपने संगठन को दे दें तो आपकी जांच नहीं करने वाला कोई अधिकारी मिलने का। मुजफ्फरनगर में अगर जांच होती है, जांच के नाम पर ठगी नहीं होती। मुजफ्फरनगर में अगर जांच होगी तो एफिडेविट लग के होती है। जब आपके आरटीआई मांगी जाती है तो अधिकारी बराबर में बैठ कर उनको बहुत तवज्जो देते हैं, आपको नहीं देते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक पैसे का जरिया, आपको एक भूत समझ के अधिकारी आपकी जांच कराते हैं और वो 50,000 या 10,000 देकर के आपकी जांच की पूर्ति कर दी जाती है। सिर्फ पैसे का खेल है और कहीं का नहीं है। क्यों गलत तो आपकी बात उठाने का एक संगठन बना और ये सच्चाई भी है। देखो पानी का टब भर दो, अरे एक बूंद उसमें किसी रंग की डाल दो, बड़ी चिल्ला करते हैं लाल कर। मैं ये कहता सारे के सारे पाक साफ हैं,
70 साल इस लोकतंत्र को चलते हुए सारे के सारे पाक साफ तो नहीं हो सकते, लेकिन सारे के साथ कुछ और बना दिया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों के लिए। और जब एक जगह इकट्ठे हो गए अपनी बात को उठाओगे तो मैं दावे से कह सकूं जो अधिकारी आप लोगों को देख के और मुंह से निकाले नहीं और चोर के चोर आ लिए, यदि आप संगठित होकर उसके पास जाओगे अपनी बात रखोगे तो अधिकारी को कुर्सी छोड़ के खड़ा होना पड़ेगा और आपका काम प्राथमिकता का होगा। साथियों, लोकतंत्र की पहली कड़ी ग्राम पंचायत है, उसके बाद सारी शुरू होती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, एवं राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन सबसे कहना चुनाव प्रधान का है। और सुरेंद्र भाई कैबिनेट आजा जो जनप्रतिनिधि है, विधायक एमपी, मतलब अपने आपको भी इतिहास में उन्हें जरूरत प्रदान की पड़े, और जब जरूरत पड़े तो तमीज दो दो चैप्टर ट्रैक्टर भर भर कर लाओ, पता तो लिस्ट बना कर प्रोग्राम आने के लिए मेरा हमेशा। और यदि आपका कहीं प्रोग्राम है तो अकेले बन जाओ या दो दो तीन दिन में बन जाओ, बात रखनी है किसी संगठन के नीचे रख लो, मिलकर रख लो और अपनी बात को तरीके से रख लो और संघर्ष से रखो तो बात मानी जाएगी। अभी बात आई सरकार की, सरकार कोई भी हो आपका संगठन गैर राजनीतिक है, मैं भी एक पार्टी से बिलोंग कर रहा, मुझे भी उसके साथ रहना, लेकिन घर में भी लड़ाई हो, अपनी मां जब छोटा सा बच्चा हो अपनी मां के पापा के आगे भी मांग रखे, भाई भाई में भी मांग रखे, परिवार में भी मांग रखे, तो हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये नहीं सोचना कि यह सरकार किसकी है, सरकार को मजबूत करने के लिए। जिससे मैं दो साल हो गए संगठन जिले में बन रहे, मीटिंग भी हो रही लेकिन मजबूती नहीं आई, बार बार कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाए, हमेशा रही या किसी दूसरे अध्यक्ष से रही या हो सके हमारे बलों का अध्यक्ष तरफ से रही। देखो मेरा एक अनुरोध है, जिले में 219 प्रधान है, सब तो सक्रिय हो नहीं सकते, लेकिन ब्लॉक वाइज 10-10 आदमी को हम निकल सकें, जो किसी की भी समस्या के लिए खड़े होकर जा सकें अधिकारी पर। भाई मैं तो संगठन की तरफ से एक ही बात कहूँगा कि हर जिले में 40 या 50 प्रधान हैं, उनमें हर ब्लॉक वाइज एक एक मीटिंग कर लो, मेन मेन पदाधिकारी भी वहीं आ जा, 10-10 लोग ऐसे कर लो मतलब छाट के, जो एक फोन पर चाहे उसे कलेक्ट्रेट बुलाना हो, चाहे विकास भवन बुलाना हो या किसी भी ब्लॉक में जाना हो, ये 50 आदमी इन 219 के लिए लड़ सके। कोई अधिकारी मारी बेची नहीं करे, मारी नहीं मान रहा, हमारा सम्मान नहीं हो रहा, या आजकल ऐसा काम हो रहा कोई है कि हमका रुम्मू झुम्मू उठे हमारी आर टी आई एरिया में, जबकि हर काम हम ऑनलाइन कर रहे, जे ही हमारे साथ लग रहा, सेक्रेटरी देख रहे, पोर्टल पर सारा काम हमारा ऑनलाइन पड़ा, एम डी बनाने वाला जे ही, इस्टीमेट बनवाने वाला मैंने सचिव दे रखा, अरे हमें क्या पता उस तकनीकी उसके बाद तुमने एम डी करवाई नहीं करवाई, हमने तो काम करवा रखा, कहेंगे प्रधान ने चोरी कर ली, प्रधान ने भाई पैसे करवा लिए, लेकिन हमने तो टाइम का काम कर रखा, अपना उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, अपने जे ही को कहे वो टाइम पर करवाया जैसे सचिव कराए। अब उसमें मेरी आपसे एक अनुरोध है कि जो 40-50 लोग ये बने इसकी ब्लॉक वाइज एक एक मीटिंग अलग से हम जिले की करेंगे, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे जिले में, और एक अपनी टीम उस स्थिति में मजबूत करेंगे, जब भी जिस भाई उसे फोन करें मुझे करें कोई या अपने ब्लॉक के अध्यक्ष करें वो जिले में करेगा, सब जिले के और ब्लॉक के प्रधान उसी ब्लॉक में जाने या कलेक्ट्रेट में जो भी समस्या जिस प्रधान की होगी और उसके लिए वे लोगों को कम से कम निकल कर चलने चाहिए। इस बात का मेरी सहमत है कि नहीं है, हमारे सभी प्रधान साथी ये बताओ पहले। जय अखिल भारतीय प्रधान चिंतन, प्रधान एकता चिंतन।